खबर बहराइच से। बीती रात नगर के पुरानी बाजार चूड़ी वाली गली में एक रोजा अजीमुशान सुन्नी बरेलवी व जश्न गौशलोगा कॉन्फ्रेंस स्वागत बीड़ी ठेकेदारान व गौसिया कमेटी की तरफ से बड़ी ही अकीदत व मोहब्बत के साथ आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से तमाम उलमा व शायर तशरीफ लाए। जलसे की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की गई। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम रामपुरी ने बयान फरमाते हुए कहा कि सरकार गौसे आजम ने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच्चाई पर अमल करते रहे। हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी सरकार गौसे आजम के नक्शे कदम पर चले और ऐसा किरदार बना ले कि हमें देखकर लोग आशिके रसूल समझे। मुफ्ती मोहम्मद अरसलान रजा खान ने आवाम से वादा लिया कि वह गुनाह नहीं करेंगे, तौबा करेंगे और तमाम रोजे और नमाज की पाबंदी करेंगे। हाफिज नफीस नानपारवी ने नाते पाक का नजराना पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौलाना मसीहुद्दीन साहब ने सरकार दो आलम से शून्य अशून्य व शून्य के फजायल व कमालात को बयान फरमाया। मौलाना हुसैन रजा ने आला हजरत पर खूबसूरत कलाम पेश किया। मुफ्ती खालिद रजा ने अपनी तकरीर में नामुशे रिसालत की हिफाजत पर जोर दिया। इस जलसे में मौलाना मोइनुद्दीन कादरी, मोहम्मद शाहिद रजा, फैजान रजा, अली रजा, शान आलम सहित गौसिया कमेटी के अध्यक्ष राजू असलम खान, मोहम्मद शकील, मुमताज अली, शाकिब मुन्नन, उबैद रजा, शुएब सहित सैकड़ों गौसे पाक के चाहने वाले मौजूद रहे। जन्नत है जो।